अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहता हूं। और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो है इस्लामोफोबिया। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि टॉपिक को थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले। क्लियर? तो आते हैं, इस्लामोफोबिया क्या है। इस्लामोफोबिया इज़ अ प्रेजुडाइस, हॉस्टिलिटी एंड हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम्स एज वेल एज हेट्रेड एनीथिंग विद इस्लाम। मुसलमानों की तरफ दुनिया के बाकी लोगों का जो अंदाज़ है, जो असद है, जो हॉस्टिलिटी है, ठीक है, उसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। और हर वो चीज़ जो इस्लाम से रिलेटेड है उसकी तरफ लोगों का हॉस्टिलिटी को डिस्कस करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी काजेज क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं और वे फॉरवर्ड्स हमारे लिए क्या हैं। तो पहले जाते हैं इनके काजेज। पहला स्टार्ट हम लेते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाते हैं। बेसिकली 1945 के बाद जो वर्ल्ड वार टू ख़त्म हो गई तो दुनिया में दो पावर उभरे थे। एक आपके पास रशिया थी और एक आपके पास जो है वो अमेरिका थी, ठीक है, यानी दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड बन चुकी थी। यहाँ पे एक वार शुरू हो गई, उसका नाम था कोल्ड वार। और ये कोल्ड वार 1992 में ख़त्म हो गई। ये किस और किसके दरमियान था? एक डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट ग्रुप के और दूसरा हमारे पास कम्युनिस्ट ग्रुप के दरमियान थी। रशिया हमारे पास कम्युनिस्ट ग्रुप का हिस्सा था और जो हमारे पास अमेरिका थी वो डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट ग्रुप का हिस्सा थी। तो समझो कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप के दरमियान एक जंग का आगाज़ हो गया, एक वारफेयर का आगाज़ हो गया, उसको अपने कोल्ड वार का नाम दिया। 1992 में ये जंग जो है ख़त्म हो गई। इसकी हिस्ट्री में हम नहीं जाते हैं कि कैसे ख़त्म हुआ। 1992 में रशिया की डिसइंटीग्रेशन हो गई मुख्तलिफ स्टेट्स में, ठीक है, 1991 में हुआ था तो 1992 में कंप्लीट हो गई बात। क्लियर? इसके बाद एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट आता है, वो एक किताब लिखता है, उस किताब का नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट माइल, ठीक है। फ्रांसिस फुकुयामा लिखते हैं कि अभी हमारे पास जो है वो जो मतलब दुनिया का जितना भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जो जंगें लड़ रही थी या जो लोगों के दरमियान जो ताल्लुकात जिस अंदाज से थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। अब दुनिया में सिर्फ एक ही नेशन बच गए हैं, वो नेशन है डेमोक्रेटिक ग्रुप बच गई है, यानी कैपिटलिस्ट ग्रुप बच गई है। लेकिन कुछ वक्त के बाद सैमुअल पी हंटिंगटन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो ये किताब लिखता है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। वो ये लिखता है कि आज के बाद मतलब 1992 के बाद जो जंगें हैं वो कंट्रीज़ और कंट्रीज़ के दरमियान नहीं होंगे, बल्कि जंगें जो हैं वो सिविलाइजेशन के दरमियान होंगे, ठीक है ना। अब बात ये है कि सिविलाइजेशन के दरमियान क्यों जंगें होंगे, कंट्रीज़ के दरमियान जंगें क्यों ख़त्म हो गई, वार क्यों ख़त्म हो गए, ठीक है। याद रखें कि ये जो किताबें भी लिखे जाते हैं ये लिखवाए जाते हैं, लिखे नहीं जाते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं कि आप ये किताब लिख लें, ठीक है। तो इस किताब में ये कहता है कि आपके पास आइंदा जो जंग होगी वो कंट्री और कंट्री के दरमियान नहीं होगी बल्कि सिविलाइजेशन के दरमियान होगी। अब सिविलाइजेशन में हमारे पास तीन मेजर सिविलाइजेशन है, एक इस वक्त एक चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, एक मुस्लिम सिविलाइजेशन है और एक अमेरिकन सिविलाइजेशन है। ये तीनों सिविलाइजेशन जो हैं इस वक्त बड़े सिविलाइजेशन हैं और अमेरिकन सिविलाइजेशन को सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है वो मुस्लिम सिविलाइजेशन से हैं। आगे हम जाएंगे डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम सिविलाइजेशन की वजह से क्यों है और मुस्लिम सिविलाइजेशन इतना बड़ा इशू क्यों इनके लिए बना हुआ है। दूसरा सिविलाइजेशन जो है चाइनीज सिविलाइजेशन है, ग्रोइंग इकोनॉमिक सिविलाइजेशन है, वो क्यों है। मुस्लिम की जो सिविलाइजेशन है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन सिविलाइजेशन है, जबकि चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमिक सिविलाइजेशन है। तो ये तीन सिविलाइजेशन जो इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं। और अमेरिका ने 9/11 के बाद जो 20 साल में मुसलमानों की जो सिविलाइजेशन पर जो अटैक्स किए, जो परेशानियां पैदा कर दी हैं, तो ये इसी सिविलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए एक तरीका अंदाज था। अब इसकी बात किसकी बारी है, चाइनीज सिविलाइजेशन की बारी है। तो मकसद मेरा ये है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि एक सिविलाइजेशन के लिए जब कोई प्रॉब्लम बनती है दूसरा सिविलाइजेशन, तो वो उसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जात, के हमारे यहाँ लोगों ने जो जात का इंटरप्रिटेशन कर दिया वो गलत अंदाज में किया, यानी ये हमने भी नहीं किया, ये हम ये कह सकते हैं कि हम जहाद को वाकई में एक होली वार समझते हैं और जहाद को एक स्पेशल ओकेजन्स पर लड़ाया जाता है। लेकिन हमारी जहाद को इंटरप्रेट उन लोगों ने गलत तरीके से किया।
अमेरिकन ने किया या जो टेररिस्ट ग्रुप ने किया या जिनका जो ब्रेन वॉश लोगों का किया था हुआ था उन लोगों ने जो है इस जात की मिस इंटरप्रिटेशन कर दी। यानी मकसद ये है कि जात जो है हर मौके पर नहीं लड़ी जाती है, जात के लिए बाकायदा एक किस्म का ऐलान किया जाता है, ऐलान के बाद फिर जो है लोग तमाम जात के लिए जाते हैं और फिर जो जहाज से पीछे हटता है वो मुसलमान नहीं कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो जात का इंटरप्रिटेशन लोगों ने किया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को बेचते थे जो कि खुदकश हमले करते थे, जो कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं, इस्लाम की बिल्कुल इसकी शरई हैसियत नहीं है। इस तरह जहाज की जो इंटरप्रिटेशन हुआ दुनिया के सामने वो गलत तरीके से हो गया, ठीक है ना। तो ये भी एक बन गई इस्लामोफोबिया की एक रीज़न बन गई कि लोगों ने इस्लाम से नफरत करने का सोचना शुरू कर दिया। टार्निशिंग द इमेज ऑफ इस्लाम बाय वेस्टर्न मीडिया। एनरी डेकर एक इंक डेकर एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड है, वो क्या कर देता है, वो एक प्रोपेगेंडा चलाता है, कहता है कि इस्लाम जो है वो डिस्ट्रक्शन और कंवर्जन का मजहब है। इसी तरह हमने देखा है एजाब में भी ये लोग समझते हैं कि इस्लाम जो है वो कंपल्शन है, कंपेल करता है लोगों को कि वो एजाब पहने, ठीक है ना। या मिसाल के तौर पर मुलाओं को या स्कॉलर्स को कंपेल करता है कि वो दाढ़ी रखें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इस्लाम हर चीज़ जो है वो डिस्ट्रक्टिव तरीके से देखता है, जो कि ऐसा नहीं है। ये इमेज भी इस्लाम का उन्होंने ख़राब कर दिया। वार ऑन टेरर, जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ ग्लोबल वार था, इसका भी उन्होंने क्या कर दिया, गलत अंदाज, गलत तरीका, गलत इंटरप्रिटेशन कर दी। मिसाल के तौर पर ग्लोबल जो वार ऑन टेरर 9/11 अटैक, वो ये ग्लोबल वार ऑन टेरर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि मतलब लोग आते हैं इतने बड़े तरीके पर तबाही फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं, फंडामेंटलिस्ट सोच रखते हैं, ठीक है। तो ये भी इस्लामोफोबिया का एक रीज़न बना। इग्नोरिंग द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थे, हमारे मुलाओं ने इन कॉन्सेप्ट्स को गलत कर दिया, यानी इन्होंने गलत इंटरप्रेट कर दी, इन्होंने इसकी सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर दी। मिसाल के तौर पर कुछ हमारे पास मुला थे जिसको हम रेडिकलिस्ट मुला कहते हैं, उन्होंने जहाद का कॉन्सेप्ट अलग पेश किया, जबकि रैशनलिस्ट मुला जो थे स्कॉलर्स थे उन्होंने इस्लाम का कॉन्सेप्ट किसी और तरीके से पेश किया, ठीक है ना। तो ये जो मतलब इन दोनों के दरमियान हमारी अपनी ही स्कॉलर्स के दरमियान जो डिफरेंस थी, वो डिफरेंस भी हम खुद नहीं निकाल सकें। तो ये चीज़ भी इस्लाम के इग्नोरिंग इमेज को, इस्लाम की जो ओरिजिनल इमेज है उसको मुलाओं ने, स्कॉलर्स ने, क्लर्जी ने इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से भी लोग इस्लाम से नफरत करने लगे। इलेक्टोरल गेन सुपरमेसिस्ट अप्रोच। आपको पता है कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया था, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों की एंट्री पर एक बैन लगा दी थी। तो ये कौन सा अप्रोच है, ये सुपरमेसिस्ट अप्रोच है अमेरिका में। यानी सुपरमेसिस्ट ये चाहते हैं, जो सुप्रीम पावर अपने आप को देखना चाहते हैं, वो उनका ही अप्रोच था कि अब मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से कमज़ोर कर दें। द राइज ऑफ पोलिटिकल पार्टीज, द एजेंडा ऑफ इस्लामोफोबिया। बहुत सारे ऐसे पार्टीज़ बन गए, वो सिर्फ इसलिए इस्लाम के फेवर में, इस्लाम के लिए, इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ वोट करने के लिए भी कुछ पार्टीज बन गए, इस्लाम को फेवर करने के लिए, यानी इस्लाम को, इस्लाम की इमेज को बेहतर बनाने के लिए पार्टीज़ बन गए, ठीक है। इस्लाम के लिए यानी इस्लाम की बेहतरी के लिए जो पार्टीज़ बन गए, लोग उनसे नफरत करने लगे कि ये वाकई वही इस्लाम की जो गलत अप्रोच जो है उनका वही सोच है, या जहाद का उनका वही सोच है, ठीक है। तो दूसरा कि कुछ पार्टीज़ जैसे इंडिया में भी बन गई, नॉर्वे में भी बन गई, ये पार्टीज़ सिर्फ इस्लाम के इमेज, गलत इमेज को इंटरप्रेट करने के लिए बन गई। तो ये पार्टीज़ भी एक सोर्स बन गया इस्लामोफोबिया को, लोगों को अवेयर करने के लिए, अपने लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, इस्लाम के खिलाफ गलत अवेयरनेस देने के लिए इन लोगों ने पार्टीज़ बनाए, ठीक है, एजेंडा बनाया एक किस्म का। 9/11 एंड पोस्ट इवेंट्स, 9/11 के बाद जो इवेंट्स हुए हैं, जितने भी अटैक्स हुए हैं मुसलमानों के ऊपर, या मुसलमानों ने जहाँ भी किए हैं, इवन इसका लेयर पाकिस्तान में भी आया, मतलब जो हम खुदकश हमलों का जो हम कहते हैं, फिर ISIS का उठना, मतलब इस तरह बहुत सारे ऐसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी और के हिमा पर चल रहे थे वो उठ गए, उन्होंने इस्लाम की जो जहाद की कॉन्सेप्ट को उन्होंने गलत कर दिया। तो इन इवेंट्स ने भी इस्लाम की अंदाज को डिफरेंट कर दिया, ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से लोग इस्लाम से नफरत करने लगे।
थर्ड चीज हमारे नाइन्थ चीज हमारे पास है वाइट सुप्रीमेसी इंटेंशंस, कि वाइट की हमेशा वाइट सिविलाइजेशन की हमेशा ये कॉन्सेप्ट है, हमेशा ये कोशिश होती है कि वो सुप्रीम रहें, वो अच्छे रहें। तो ये भी इनका एक इंटेंशन था कि इस्लाम को हम किस तरह जो है कमज़ोर कर लें अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। जैसे अमेरिका अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो है मुख्तलिफ दुनिया को दुनिया में लोगों ने उनको लोगों को जो है उन्होंने लड़वाया, इस्लाम को 20 साल तक मतलब अटैक करते रहे, इराक लीबिया शाम वगैरह में कितना बुराल कर दिया, ठीक है ना। हमारे पास लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से भी जो है वर्ल्ड सिविलाइजेशन थ्रेट में है, कि ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है इसने भी जो है इस्लाम को पॉपुलर कर दिया और इस्लाम जो है द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन इन द वर्ल्ड इस वक्त है। तो ये भी इनका एक खौफ था, एक डर था कि मुस्लिम जो है तादाद में बढ़ रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। एक सेकंड मुस्लिम जो थी यानी इस्लाम इतनी तेज़ी से फैला रहे थे, उनको ये खौफ हुआ कि हमारे लोग ही मुस्लिम हो जाएंगे, लिहाजा इस लेयर को कि इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे हैं इस यानी ये तबलीगी कॉन्सेप्ट जो है इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इस्लाम को जो है गलत इंटरप्रेट किया। तो ये हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम की जो पॉपुलरिटी है उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया ताकि लोग इस्लाम में दाखिल ना हो सके। ये थी काजिस ने इस्लामोफोबिया की बेसिक रीजंस, ठीक है। अभी हम जाते हैं कि कंसिक्वेंसेस क्या हुए, कि एंटी मुस्लिम कंपेन जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में शुरू हो गया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कंपेन शुरू हो गया, ठीक है ना। जैसे रैली नार्वे 2019 में, नार्वे में एक रैली जो है निकाली गई इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तो ये इसका एक कंसिक्वेंसेस था। एंटी शरिया मास कंपेन, एंटी शरिया कंपेन और एंटी मास कंपेन, लोग उन लोगों से नफरत करने लगे जो दाढ़ी रखते थे, लोग उन लोग मतलब अमेरिकन या जो हमारे पास अंग्रेज़ अब इसको कह सकते हैं, यूरोपियन इसको कह सकते हैं, वो उन लोगों से नफरत करने लगे जो दाढ़ी रखते हैं, जो टर्बन जो है पहनते हैं और जो मास्क जो है पहनते हैं, उन औरतों से उन लड़कियों से नफरत करने लगे। तो एक किस्म का एंटी शरिया कंपेन दुनिया में शुरू हो गया। इवन बहुत सारे लेजिस्लेशन हो गए दुनिया में और बहुत सारे मास्क के ऊपर जो है अटैक हो गया, 250 मास्क के ऊपर अटैक हो चुका है 2010 से लेकर 2020 तक। 2015 में सबसे ज्यादा अटैक मस्जिदों पर हुए, 78 जो है अटैक हुए हैं, ठीक है ना। तो मुस्लिम लाइफ मार्जिनलाइज, मुसलमानों की जो लाइफ है वो मार्जिनलाइज कर दिया, वो जहाँ पे भी रहते थे तो समझो एक कोने में उनको धकेला, ठीक है ना। जैसे अरिजोना में प्रोटेस्ट हो गया मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुआ था अमेरिका में, और अब्यूज़ ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स, बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स को जो है अब्यूज़ करने लगे टीचर्स, क्लास फेलोज और दूसरे लोग, ठीक है ना। हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स इमाइग्रेंट्स, जो इमाइग्रेंट्स जाते थे या दूसरे मुल्क, तो जब वो मुस्लिम होते थे तो उनकी बहुत सख्त चेकिंग होती थी, बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स की भी बहुत तजलील की गई। इवन हमारे कुछ कंट्रीज़ की जो पासपोर्ट थी वो पासपोर्ट जो है कुछ कंट्रीज़ में बैन हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों के लिए हर जगह उन्होंने रुकावटें कड़ी कर दी। बहुत ऐसे आ रहे ऐसे जगहों पर जो मुस्लिम जो है ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जगहों पर मुस्लिम जो है एंटर नहीं हो सकते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन है जहाँ पर मुस्लिम को जो है पाबंद कर दिया जाता है कि आप नहीं आ सकते, क्लियर। जैसे न्यूजीलैंड में भी अटैक हो गई थी इस तरह। इस्लाम एज अ रिलीजन इन क्वेश्चन, इस्लाम एज अ रिलीजन क्वेश्चन में रखा गया कि आप मतलब किसी को नहीं बता सकते अब्रोड कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि वो आपसे नफरत करेगा और वो आपका काम नहीं करेगा या आपको जो है शक की निगाह से देखेगा, ठीक है। हिजाब इशू आपने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज़ में, फ्रांस में पाबंदी लग गई, नार्वे में लग गई, स्वीडन में लग गई, इंडिया में जो हिजाब का इशू आया एक लड़की के साथ, ये सारे इस्लामोफोबिया की बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कैरिकेचरिंग ऑफ बिलोव्ड पर्सनैलिटी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैरिकेचरिंग लोगों ने की, यानी उन्होंने उनकी मतलब कुछ जो है कार्टून्स बनाए, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये भी एक कंसिक्वेंसेस थी कि मुसलमानों को किसी तरीके से डिफेम किया जा सके, इस्लाम को किसी तरीके से टार्निश किया जा सके। बर्निंग ऑफ कुरान, गेट विल्डर ओली कुरान मस्ट बी बेंट,
इस बंदे ने कुरान कहा कि कुरान को बैन कर दिया जाए, बहुत सारे जगहों पर जो है कुरान को बैन कर दिया गया, कुरान को बर्न कर दिया, जलाया, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास एक कंसिक्वेंसेज है किस चीज़ के, इस्लामोफोबिया के। इसके बाद मेयर्स टू कर्ब, क्या मेयर्स उठा सकते हैं हम इसको कर्ब करने के लिए, कलेक्टिव रिस्पांस फ्रॉम मुस्लिम उमा, तमाम मुस्लिम उमा इकट्ठे हो जाए इसके लिए, एक वॉइस राइज कर दे। जैसे अभी रिसेंटली इमरान खान ने ये वॉइस राइज किया था और उन्होंने बकायदा जो है एक स्पेशल डे सेलिब्रेट कर दी इस्लामोफोबिया के लिए, 15th of March, ठीक है ना। तो रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अगर मुसलमान जाते हैं, मुसलमान वहाँ पे जो है एड्रेसिंग करते हैं, तो मुसलमानों को वहाँ पे ये इशू राइज करना चाहिए और यही ऑर्गेनाइजेशन जाके रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जहाँ पर पाकिस्तान इसका हिस्सा है और पाकिस्तान इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर ले, पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज इसको जो है बता दे लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम ऐसा मज़हब नहीं, इस्लाम की ओरिजिनल जो शेप है वो दुनिया के सामने ला सके। काउंटरिंग नेगेटिव मीडिया प्रोपेगेंडा, ये जो नेगेटिव मीडिया प्रोपेगेंडा है, वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा है, इसके लिए बकायदा हमारी एक चैनल होनी चाहिए या वर्ल्ड लेवल पर एक चैनल होनी चाहिए। जैसे आपके पास इस वक्त मुस्लिम चैनल अल जज़ीरा है, उस पर आप जो है ये मीडिया प्रोपेगेंडा को काउंटरिंग कर सकते हैं। नीड टू प्रेजेंट द प्लोरिस्टिक अप्रोच ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो प्लोरिस्टिक अप्रोच है, जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, इसको जो है लोगों के जहन में उभारना चाहिए। रोल ऑफ YC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन जो है, इस वक्त 57 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, इसको एक बहुत बड़ी, ये सेकेंड हाइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तो इसको एक रोल प्ले करना चाहिए अपनी अमेज को, इस्लामिक अमेज को बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरी बात यह है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, हम ऐसे साइंटिस्ट पैदा करने चाहिए जो वर्ल्ड लेवल पर मशहूर हो जाए, वो हमारी बात को आगे बढ़ा सके, वो हमारी बात को आगे ले जा सके, दुनिया के नज़र में वो लोग आ जाएँ, वो लोग अच्छे होंगे तो डेफिनेटली वो हमारे एक इमेज रिप्रेजेंट करेगा वर्ल्ड लेवल पर। तो ये कर्बिंग एक फैक्टर है जिसके ज़रिए हम इस्लामोफोबिया की जो काउंटरिंग जो इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, उसको काउंटर कर सकते हैं। मॉडरेशन इन रिलीजन, रिलीजन को मॉडर्नाइज करना चाहिए। देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, इस्लाम में नए नए जो चीज़ें इंटर होती जा रही हैं, इसलिए इस्लाम के अरकान में इज्तिहाद क्यास का कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो मकसद ये है कि हम वो पुराने कॉन्सेप्ट जो थे उस पुराने कॉन्सेप्ट पर हम न चले, बल्कि नए नए वे आउट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। इसके लिए हमारे पास काबिल स्कॉलर्स की ज़रूरत है, उनका एक बाकायदा मीटिंग होनी चाहिए जो इस तरह इशूज़ को जो है मॉडर्नाइज कर सके। तो ये था हमारे पास इस्लामोफोबिया। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह यही सिलसिला मैं रखूँगा और ये सबसे बेहतरीन रिश्ता है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।